हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर की झालाने की पहाड़ियों में बनी घाट की गुणी की सुरंग के अंदर। और इस सुरंग का जो निर्माण किया गया है, इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, इससे आगरा से यहाँ पर जयपुर का सीधा जुड़ाव यहाँ पर हो गया है। और इसके कारण ही यहाँ पर देखिए दिल्ली, जयपुर और आगरा का जो यहाँ पर ट्राइंगल बनता है, गोल्डन ट्राइंगल इसे कहते हैं, गोल्डन ट्राइंगल जो टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हुआ है। अब यहाँ देखिए सुरंग के अंदर जो है आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई हैं, जिनमें कि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं और हाई टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर आपके फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन जो यंत्र होते हैं वो लगाए गए हैं। पैदल यात्रियों के लिए यहाँ पर फुटपाथ बनाए गए हैं और रोशनी के साथ यहाँ पर पूरी की पूरी जो कंप्लीट यहाँ पर देख लीजिए आप, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और सुरंग में यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंसर की भी यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी आपकी मिल जाएगी। ब्रेकडाउन और यहाँ पर जो एक्सीडेंट है उससे निपटने के लिए सुरंग में दो इंटरकनेक्टिंग जो है यहाँ पर रास्ते भी बनाए गए हैं। अब ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ देखिए बहुत ही गजब। यहाँ पर अरावली की जो पर्वतमाला है, अरावली की जो पर्वत श्रेणी की ये जो पूरा पहाड़ है, इसके अंदर से ये सुरंग निकलती है। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इस पूरा का पूरा जो ये परियोजना है, इसकी जो टोटल जो लंबाई है इस सुरंग की वो है 2800 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर 800 मीटर की इसकी टोटल लंबाई है, जिसके अंदर यहाँ पर 870 मीटर की दो सुरंगें, जहाँ शहर के जो बढ़ता हुआ जो यहाँ का ट्रैफिक है उसका जो प्रेशर को कम करने के लिए बनाई गई, जिससे कि गुलाबी नगर का जो यहां पर जो टूरिज्म है उसको और ज्यादा यहां पर बढ़ाया जा सके। दोनों सुरंग जो है 330 मीटर की दूरी पर आपस में जुड़ी हुई हैं और इस सुरंग परियोजना के शुरू होने से जयपुर से आगरा के लिए एक यहां पर आपको वैकल्पिक, क्या हम कहें कि एक और यहां पर सुरक्षित आने जाने की जो है सुविधा मिल जाती है, जिससे कि यहां पर ट्रैफिक में जो फंस जाते थे लोग, उस ट्रैफिक जाम से यहां पर काफी निजात मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।